हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5। माय टीचर सीज राइट थ्रू मी। सीज राइट थ्रू मी का क्या मतलब है कि मुझे पकड़ लिया है, मेरे अध्यापक ने मुझे पकड़ लिया। तो ये जो अध्यापक हैं, इन्होंने इस बच्चे की कोई गलती पकड़ी है। तो ये हम इस पॉइंट में आगे पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क गृह कार्य नहीं किया था। माई टीचर आस्क्ड मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा, वाई, क्यों? आई आंसर्ड हिम, मैंने उन्हें उत्तर दिया, इट्स मच टू हार्ड, यह बहुत मुश्किल था। हार्ड मीन्स मुश्किल था, टू हार्ड बहुत मुश्किल था। ही सेड, उन्होंने कहा, यू डिड नॉट ट्राई, तुमने कोशिश नहीं की थी। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, माई डॉग एट इट, मेरे डॉग ने, मेरे कुत्ते ने इसे खा लिया था। ही सेड, उन्होंने कहा, यू हैव नो डॉग, तुम्हारे पास तो डॉग है ही नहीं। आई सेड, आई वेंट आउट रनिंग, मैं बाहर दौड़ने गया था। दौड़ने मतलब रेस करने, जॉगिंग करने कहते हैं जिसे। ही सेड, यू नेवर जॉग, कि तुम तो जॉगिंग के लिए, दौड़ने के लिए जाते ही नहीं हो, कभी नहीं जाते हो। नेवर मीन्स कभी नहीं, तुम दौड़ने कभी नहीं जाते हो। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, आई हैड कोर्स टू डू, कि मैंने दैनिक कार्य मतलब अपने घर के जो काम होते हैं वो सब करने थे। ही सेड, यू वॉच टीवी, तुमने टीवी देखा था। उन्होंने क्या कहा कि तुम टीवी देख रहे थे। आई सेड, आई सॉ द डॉक्टर, मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर को दिखाने गया था। ही सेड, यू वर विद मी, उन्होंने क्या कहा, तुम मेरे साथ थे, मतलब वो जो बच्चा है वो अपने अध्यापक के साथ था। माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिब्स, फिब्स होता है झूठ, मेरे अध्यापक ने मेरे सारे झूठ समझ लिए। विच मेक्स मी वेरी सैड, जिससे मुझे बहुत उदासी हुई, जिससे मैं बहुत निराश हुआ, क्योंकि अध्यापक को उसके सारे झूठ पता चल गए ना, उन्होंने सारे झूठ पकड़े हैं, तो अब वो उदास हो गया है। इट्स हार्ड टू फूल द टीचर, टीचर को, अध्यापक को मूर्ख बनाना, फूल मतलब मूर्ख, मूर्ख बनाना, हार्ड मीन्स मुश्किल है, वेन द टीचर इज यूर डैड, जब वो अध्यापक तुम्हारे पापा हो। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ में आया कि ये जो टीचर है ये इस बच्चे के पापा हैं। अब ये बच्चा जितनी बार भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, उन्हें तो पता ही है क्योंकि घर में उन्हीं के साथ था। देखो पहले उसने बोला कि ये बहुत मुश्किल था, अब पापा को तो पता है ना कि बच्चा घर में कितनी देर पड़ा है, तो उन्होंने पकड़ लिया उसका झूठ कि तुमने कोशिश नहीं की। फिर इसने झूठ बोला कि मेरे डॉगी ने उसको खा लिया, अब पापा को तो पता है घर में डॉगी नहीं है, फिर झूठ पकड़ा गया। तीसरा झूठ उसने कब बोला, कि मैं बाहर दौड़ने गया था और पापा ने वो भी पकड़ लिया। फिर इसने क्या कहा कि मैं घर के काम कर रहा था, तो उसका ये झूठ भी पकड़ा गया क्योंकि वो घर में टीवी देख रहा था। फिर अगला झूठ क्या था, कि मैं डॉक्टर के पास गया था, अब पापा ने क्या कहा कि तुम तो मेरे साथ थे। अब इतने सारे झूठ बोले उसने, इतने सारे बहाने मारे, पर वो सारे झूठ उसके टीचर ने मतलब उसके पापा ने पकड़ लिए हैं। तो बच्चा लास्ट में क्या कहता है कि अपने टीचर को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है, जब वो तुम्हारे पापा हो। ठीक है बच्चों, और इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, ब्रूसी लैंसी। अब आप इसको अच्छी तरह से रीड कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी। थैंक यू।